फेंग इम्फाल पश्चिम जिले में चकपा समुदाय का गांव है, जो भारत की पहली कार्बन पॉजिटिव बस्ती के रूप में चिन्हित किया गया है। ये 3 घने जंगलों वाली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां एक प्राचीन मंदिर भी है। गांव में कुल 660 परिवार रहते हैं और गांव की जनसंख्या 2728 है। गांव में पहुंचने के लिए इम्फाल से सुमो गाड़ियां चलती हैं और आप खुद के वाहन से भी वहां तक पहुंच सकते हैं। पानी, बिजली, गैस की आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं का गांव में बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। बच्चों की उचित शिक्षा के लिए गांव में एक स्कूल भी उपलब्ध है। बेहतर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए गांव में फेंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर उपलब्ध है। गांव में धान के अलावा खेतों में बोई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, तरबूज, बीन्स, पत्ता गोभी और ब्रोकली है। इसके अलावा सुअर और मुर्गी पालन गांव में आय के अन्य स्रोत हैं। यदि आप दोस्तों के साथ प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं, तो गांव में ही यू पार्क है। आप यहां पारंपरिक संस्कृति देख सकते हैं। इसके अलावा गांव में आरक्षित वन है, जो समुदाय के लोगों द्वारा संरक्षित हैं। वहां एक मंदिर है, जिसे सोरारेन मंदिर कहा जाता है। एक स्थानीय देवता का नाम कोबरू है। लोग मानते हैं कि वे उनकी रक्षा करते हैं। गांव के लोग किसी भी खास मौके पर सुअर का मांस खाते हैं। ये उनकी संस्कृति में स्वादिष्टता है। मेरा नाम रोजा है। मैं यहाँ की फयेंग की रहने वाली हूँ। फयेंग ऐसे जगह है जहाँ पे एक चकपा कम्युनिटी करके हम लोग रहते हैं, और हमारा शुरुआत हुआ था कंगला से लांगजिंग अचौबा, फिर संगाईथेल, फिर यहाँ पे आके फयेंग इस जगह पे सेटल्ड हुए हैं। लोग हर साल कंगला पे आज के दिन जो है वो लांगबन चकचावा करके एक ओकेजन होते है हमारा, तो इस दिन पे हम कंगला पे जाके हमारा ऑफरिंग्स देते हैं। हमारा कुछ ऐसे ऑस्पिशियस जगह है वहाँ पे, हम डेडिकेट करके रखते हैं और वहाँ पे हम ऑफरिंग्स देते हैं। यूनिक अगर कल्चरल फेस्टिवल्स है, एक लाइहरा उबा करके, जहाँ पे हम फॉरेस्ट गोट पे अलग अलग जगह का सब कम्युनिटी डिवाइड होके हम फॉरेस्ट गोट पे ऑफरिंग्स देते हैं, और उस ऑफरिंग्स पे हम एक स्पेशल वाइन बना के देते हैं, जो हम पर्पल राइस और राइस हस्क मिलके एक बना हुआ राइस वाइन जो है वो हम ऑफरिंग्स देते हैं। और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक चीज़ ये है कि हर ओकेजन पे, जैसे बर्थ हो, डेथ हो या किसी की मैरिज हो, हम पोर्क का एक डेलिकेसी, पोर्क का डिश बना के हम लोगों को खिलाते हैं। गांव अपने स्थानीय रूप से पिसे हुए चावल की पेय के लिए प्रसिद्ध है। ये पारंपरिक पेय है जो घरों में बनाया जाता है। आमतौर मणिपुर संस्कृति में पुरुष अपने विशेष अवसरों पर धोती कुर्ता पहनते हैं, महिलाएं फनेक और फी जोएल पहनती हैं। महिलाओं के लिए फनेक शक्ति का प्रतीक है, जो उनके मेहनती स्वभाव और सादगी का प्रतिबिंब है। लाई हराउबा प्राचीन काल से मनाए जाने वाला मेतेई लोगों का एक अनुष्ठानिक त्योहार है। ये त्योहार अप्रैल और मई के महीने में मनाया जाता है। उत्सव के दौरान पुरुष और महिलाएं गहनों से खुद को सजाते हैं, जिसमें पंख वाले सिर, मोतियों के हार पहनते हैं।
और पारंपरिक संगीत नृत्य भी करते हैं। तो ये थी मणिपुर के फेंग गांव की यात्रा, जो कि अपने कार्बन पॉजिटिव बस्ती, स्थानीय रूप से पिसे हुए चावल की शराब और पारंपरिक संस्कृतियों के लिए काफी प्रसिद्ध है।